नमस्कार, मेरा नाम है फुदू कुमार। तो ना यहाँ पे यूक्रेन ने कुछ ऐसा कर दिया जिसके चलते कि इंडियंस डिमांड कर रहे हैं अपोलॉजी फ्रॉम यूक्रेन। ये जो इन्होंने वर्क ऑफ आर्ट का ये मीम पोस्ट किया था जिसके चलते इंडियंस एकदम बहुत ज़्यादा गुस्सा है और उनको सीधे ये डिमांड कर रहे हैं कि यूक्रेन को इस बात के लिए माफ़ी मांगना चाहिए। तो दरअसल यहाँ पे हुआ ये है ना, उससे पहले आप सबसे पहले ये फोटो देखिए, यहाँ पे क्या लिखा गया, डिफेंस ऑफ यूक्रेन, मतलब यूक्रेन का डिफेंस वाला जो ट्विटर हैंडल है, डिफेंस मिनिस्ट्री वाला, डिफेंस वाला जो ट्विटर है उसमें वर्क ऑफ आर्ट करके एक ट्वीट किया गया, इसमें कि यहाँ पे ये ब्लास्ट हुआ है, जहाँ पे कई सारे यहाँ पे आप देख सकते हैं धुआं उड़ रहा है, वहाँ पे उन्होंने क्या किया, तुरंत वहाँ पे एक तरह से माँ काली को वहाँ पे फोटो में डाल दिया। और यहाँ पे ब्लास्ट वाला देखिए, सेम टू सेम यही फोटो उसको इस तरह से उन्होंने मीम टाइप का एकदम बना दिया, जहाँ की माँ काली जो हिंदू गॉडेस की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट गॉड गॉडेस है, जिसको यहाँ पे डाल दिया गया, एक तरह से मीम बनाया गया कि देखिए ऐसा वर्क ऑफ आर्ट, जिससे कि यहाँ पे पूरा हिंदू कम्युनिटी को एक तरह से आहत हुआ। और यहाँ पे भारत वाले कई सारे यहाँ पे भारतीय हैं जो कि इस बात से बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गया, यहाँ तक कि भारत के कई सारे मिनिस्टर्स भी गुस्सा हुए। देखिए उससे पहले ये न्यूज आउटलेट क्या कहती है, यूक्रेन डिफेंस मिनिस्ट्री मॉक्स हिंदू गॉडेस काली, कंपेयर्स हर टू हॉलीवुड एक्ट्रेस मार्लिन मोनरोय। तो ये जो यहाँ पर फोटो देख रहे हैं, यहाँ पे ये जो माँ काली का जो फोटो है, वो दरअसल एक एक्ट्रेस मार्लिन मोनरोय, हॉलीवुड के एक एक्ट्रेस हैं, उनको यहाँ पे दिखाया गया और उनको पूरा एकदम ड्रेस पूरा पहना दिया गया और यहाँ पे पूरा एकदम विजुअल इफेक्ट्स डाल दिया, जैसे कि ये माँ काली हैं और यहाँ पे किस तरह से वो बचते हुए दिखाई दे रहे हैं, एकदम अभद्र टाइप का यहाँ पे पूरा एकदम रिलेशन दिखाया गया है। एक जो ब्लास्ट हुआ वहाँ पे धुआं उड़ रहा है उसको यूक्रेन के द्वारा, ये जो यूक्रेन इनका जो देश है उनके द्वारा ऐसा पूरा अभद्र टाइप का एकदम व्यवहार किया गया है। और मैं आपको बता दूं, ये वही देश है जो कि चाहता है कि एक बिगर रोल यूक्रेन में, यूक्रेन रशिया के बीच में आपको पता है ये लड़ाई चल रहा है, जिसमें ये चाहते हैं कि हम बिगर रोल एकदम भारत यहाँ पे बिगर रोल बढ़ चढ़ के यहाँ पे आए, भारत और हमारे बीच में जो यूक्रेन और रशिया के बीच में लड़ाई चल रहा है उसको ख़त्म कर दे। बताइए इनको हमारे से इतना ज़्यादा उम्मीद है, हर एक जगह हर एक चीज़ में, इंपोर्ट एक्सपोर्ट में जहाँ पे लड़ाई हो रहा है उसमें पूरा का पूरा यहाँ पे पूरा दुनिया टिका हुआ भारत के ऊपर ही, यहाँ तक कि यूक्रेन भी पूरा टिका हुआ है, लेकिन ये खुद ब खुद यहाँ के फॉरेन मिनिस्टर हैं खुद कह रहे हैं कि हमको बहुत बड़ा रोल चाहिए ताकि भारत एक तौर से पूरा ख़त्म कर दे यूक्रेन और रशिया का लड़ाई, लेकिन ये सब इतना उम्मीद लेके बैठे हैं, फिर भी देखिए ये लोग ऐसा ऐसा मॉक करने के लिए भारत को, एक तरह से डिसरेस्पेक्ट करने के लिए भारत को ऐसा ऐसा ये लोग ट्वीट करते हैं, वो भी कोई और नहीं डिफेंस ऑफ यूक्रेन सीधे ट्वीट किया है ऐसा। यहाँ पे बहुत सारे एक्सपेक्टेशन लेके यूक्रेन बैठा हुआ है कि कोई भी चीज़ में एक्टिवली यहाँ पे भारत इंटरफेयर करे, रसिया को समझाए ताकि यहाँ पे वॉर क्राइम्स ना हो, ऐसा वैसा लंद फंद देते रहता है यूक्रेन, लेकिन इसको कोई मतलब नहीं है, बस ऐसे ही कुछ बोल दे हमको, बस हेल्प करो, बस हेल्प में अगर तुम हमसे हेल्प चाहते हो तो हम कुछ नहीं करेंगे, बल्कि हम तुम्हारे गॉडेस का हेल्प डिसरेस्पेक्ट करेंगे, तुम्हारे जो भी रास्ता है यूएन में हम तुम्हारा कश्मीर का मुद्दा उठा देंगे, चाहे यूएन में हम तुम जो भी लड़ाई झगड़ा करते हो उसको हम तुम लोग मॉक करेंगे, हर एक चीज़ ये करेगा। और उसके बदले इसको चाहिए कि नहीं आप बढ़ चढ़ के हमारे बीच में जो युद्ध चल रहा है उसको रोक दीजिए, हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा अत्याचार हो रहा है, ये हो रहा है वो हो रहा है इनका कहना है, लेकिन इनको भारत को कुछ नहीं देना, बस अपने आप में सब चीज़ लेना है, भारत बस इनको सब चीज़ देते रहे, इसको कोई मतलब नहीं, बस ये डिसरेस्पेक्ट करते रहे। और ये सब चीज़, ये जो गुस्सा है ना, इनको कब से यहाँ पे फैल गया है यूक्रेन का, दरअसल ये शुरू से ही यूक्रेन भारत का कभी सपोर्ट नहीं किया, वो अब बराबर वो पाकिस्तान को डिफेंस इक्विपमेंट देते रहता है जो कि भारत में वो लड़ाई के लिए यूज़ करता है, पाकिस्तान चाहे वो अमेरिका से चाहे दोस्ती हो जाए, चाहे कोई भी चीज़ से दोस्ती हो जाए, बांग्लादेश को सपोर्ट करना, श्रीलंका को सपोर्ट करना रहे, ताकि वो लोग भारत को हमेशा घेरते रहे, यहाँ तक कि यहाँ पे इस बार कुछ कश्मीर का मुद्दा था उसको भी उसने यूएन में सपोर्ट किया कि हाँ यहाँ पे वॉर क्राइम्स हो रहा है, मतलब तो हमेशा भारत को नीचा दिखाने की कोशिश करता है, तो हमेशा से उसको हम चाहता है कि भारत हमेशा सपोर्ट करे, यूक्रेन के साथ खड़ा रहे, रशिया जो परम मित्र है हमारा उसको वो छोड़ दे। तो ऐसा क्यों होता है, क्यों इतना इसको गुस्सा लगता है, देखिए सबसे पहला तो यहाँ पे जब से यूक्रेन और रशिया के बीच में लड़ाई हुआ है, मैं आपको बता, जब से जो दिन से लड़ाई हुआ है भारत का एक तरह से स्टैंड जो है ना वो हमेशा से ही एकदम न्यूट्रल रहा है, न्यूट्रल रहा है, क्योंकि यहाँ पे हमेशा देखिए रशिया से बहुत ही पुराना मित्रता हम लोग का, 1971 में खुल के यहाँ पे पूरा दुनिया हम लोग खिलाफ हो गया था, उस टाइम खुल के यहाँ पे रसिया हम लोग को सपोर्ट किया था, जिसके चलते यहाँ पे रसिया को कभी आज तक से मतलब इतना बड़ा उद्धार किया हम लोग के ऊपर रसिया के, हम लोग कभी भी उसका खिलाफ नहीं जाते हैं,
और हम लोग ये नहीं कह रहे हैं कि भारत ये नहीं कहता है कि आप बहुत अच्छा कर रहे हैं यूक्रेन के ऊपर। भारत ने कितने बार कंडेम किया, कितने बार रिक्वेस्ट किया पुतिन को कि नहीं आप गलत कर रहे हैं, आप अभी ये समय लड़ाई का नहीं है, ऐसा कह के अच्छे से नरेंद्र मोदी जी ने कितना अच्छा संदेश भी दिया था जो कि पूरा दुनिया में ही फेमस हुआ था। और यहाँ पे देखिए दूसरा रीजन ये भी है कि यूक्रेन हम लोग से बहुत ज़्यादा गुस्सा रहा है, क्योंकि यहाँ पे देखिए क्या कहते हैं, इंडिया इंडिया बिकम्स यूरोप्स लार्जेस्ट सप्लायर ऑफ रिफाइंड फ्यूल ऑयल आफ्टर रशियन ऑयल। मतलब यूरोप में सबसे ज़्यादा रिफाइंड फ्यूल ऑयल का सप्लाई होता है रसिया के द्वारा, लेकिन दूसरा नंबर में अभी देखा जाए तो भारत बना हुआ है जो कि सबसे ज़्यादा रसिया से ऑयल खरीद रहा है। और यूक्रेन का ये मानना है कि यूक्रेन का कहना है कि भारत जो रसियन ऑयल खरीद रहा है उससे सीधे तौर पे वो लड़ाई में यूज़ कर रहा है, एक तरह से इंडिया सीधे तौर पर लड़ाई में यूक्रेन की लड़ाई में रसिया को हेल्प कर रहा है उसका तेल खरीद के। लेकिन ये यूक्रेन को नहीं दिखता कि यूरोप देखे दुनिया का सबसे बड़ा लार्जेस्ट सप्लायर है, इम्पोर्टर है जो कि रसिया से खरीदता है, उसको वो सबको नहीं दिखता है, बस खाली इंडिया इंडिया इंडिया, ये लोग पगला गया है, इंडिया के पीछे पागल हो गया है कि हाँ इंडिया ऐसा कर रहा है वैसा कर रहा है, ये सभी चीज़ है। और एक बार के लिए अगर हम लोग ग्राफ में देखें तो यहाँ पे अगर यूक्रेन का जो यहाँ पे रिलीजन वाला जो पूरा एकदम पॉपुलेशन है उसमें से अगर हम लोग देखें तो 72% लगभग लोग 82 से 85 72% से 85% तक सिर्फ और सिर्फ वहाँ क्रिश्चियन है। और यहाँ पे और कई सारे रिलीजन है, जो अदर हो गया यहाँ पे लंथ फन जितना भी रिलीजन होता है उन सभी का यहाँ पे पॉपुलेशन है, लेकिन सबसे ज़्यादा मेजोरिटी पॉपुलेशन है वो क्रिश्चियन का है। और हम लोग बात करें हिंदुइज्म की, जो हिंदुइज्म का पॉपुलेशन जो कि यूक्रेन में है वो लगभग लगभग 0.1 मतलब 0.1% मतलब कि ना के बराबर वहाँ पॉपुलेशन है, जो लगभग लगभग 44,000 ही पॉपुलेशन है वहाँ पे, इतना ही आदमी वहाँ पे हिंदुइज्म को मानता है। और यहाँ वेस्टर्न यूक्रेन में 0.2% मतलब एकदम ना का बराबर है वहाँ पे। इसलिए यहाँ पर कुछ भी ये लोग एकदम हिंदू फोबिया वाला एक्ट कुछ भी कर देता है। हिंदू फोबिया का मतलब हिंदू फोबिया माने कि हिंदू फोबिया जो कि हिंदुइज्म और हिंदूज को एकदम डिसरेस्पेक्ट किया जाता है, उनको मतलब हिंदू को मानता ही नहीं और हिंदू लोग को एकदम फियर और हेटरेट के तौर पे देखा जाता है, उसी को लोग हिंदू फोबिया करते हैं। जो कि इस बार यूक्रेन में इस तरह से जो ये जो वर्क ऑफ आर्ट, अपने आप को एकदम बहुत ही गर्व से डिफेंस ऑफ यूक्रेन कह रहे हैं कि हम वर्क ऑफ आर्ट दिखा रहे हैं, ये एक तरह से हिंदू फोबिया को ही रिलेट कर रहा है। हिंदू फोबिया ये सीधे तौर पर हिंदू फोबिया ही है जो कि हेटरेट है, एक तरह से इनको दिखाना है कि ये लोग अब नहीं सक रहा है भारत से, तो ये लोग भारत का जो संप्रभुता है हिंदुइज्म है, यहाँ भारत में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन हिंदुइज्म का ही है, तो लोग इनडायरेक्टली यहाँ पे हिंदुइज्म को मॉक कर रहा है कि आप लोग हमको हेल्प नहीं कर रहे हैं। और मैं बोलता हूँ कि आखिर हम लोग हेल्प ही क्यों करें, हेल्प तो कर ही ना रहे हैं, इतना इतना सप्लाई कर रहे हैं, मेडिकल यहाँ सप्लाई कर रहे हैं रशिया, हम लोग रिक्वेस्ट कर ही रहे हैं, आप लोग क्या चाहते हैं कि हम लोग तेल खरीदना बंद कर दें, हम लोग अपना जो संप्रभुता रहेगा उसको हम लोग अपना अपनाएंगे ही। अब आप लोग अब देखिए अभी तक से यहाँ पे तो देखा जाए तो यूक्रेन की तरफ से अभी तक से कोई ऑफिशियल बयान नहीं आया, ये जो ट्वीट किया गया था उसके चलते, हालांकि उसने कुछ घंटों के बाद यहाँ पे पूरा एकदम भारतीय लोग पूरा एकदम ट्वीट को खूब मॉक किया, विरोध किया, जिसके चलते यहाँ पे ये जो पूरा ट्वीट था डिफेंस ऑफ यूक्रेन का जो उसको उन्होंने तुरंत ही डिलीट कर दिया, अभी वो ट्विटर में ये सारा ट्वीट अभी को नहीं मिलेगा। लेकिन भी ये सब चीज़ उनका जब डिलीट करते तक में पूरा सोशल मीडिया में पूरा वायरल हो गया, हर एक जगह आप देख सकते हैं ये ट्वीट को। और अब बात करते हैं कि यही चीज़ कुछ दिन पहले अगर हम लोग बात करें जॉर्जिया, जैसे अमेरिका में भी कई सारे हिंदू फोबिया वाला एक्ट होते रहता है, मैं आपको बताया ना हिंदू फोबिया का मतलब क्या आता है, हेट्रेड एक तरह से हिंदुइज्म के ऊपर, तो उन्होंने एक रिजोल्यूशन पास किया है जिससे कि हिंदू फोबिया जैसा एक्ट के ऊपर कड़ा से कड़ा एकदम उन लोगों को सजा मिलता है। तो ऐसे ऐसे हर एक देश में होना चाहिए, हर एक देश में हर एक रिलीजन को वहाँ पे सपोर्ट करना चाहिए। हो सकता है आप क्रिश्चियनिटी में सबसे ज़्यादा है लेकिन भी आपको सपोर्ट करना चाहिए, चाहे हिंदुज़म हो बुद्धिज़्म हो चाहे इस्लामिक जो भी हो, लेकिन हर एक चीज़ को आप लोग को सपोर्ट करना चाहिए। और यहाँ पे यूक्रेन को सबसे बड़ा अभी दिक्कत यही है ना कि ये न्यूट्रल बना हुआ है रसिया और यूक्रेन के बीच में, इन्होंने आज तक से खुल के विरोध नहीं किया है रशिया को, जिसके चलते यूक्रेन के एकदम मिर्चा लगल है कि नहीं कैसे तुम लोग काहे नहीं करोगे, हम तुमको ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे, कुछ हो डायरेक्टली तो बोल नहीं सकता है, तो बस ऐसा ऐसा ये लोग ट्वीट कर चल रहा है ताकि भारत को हानि नुकसान लगे और ये रशिया के बारे में कुछ भी कह दे। आई होप आपको ये वीडियो पूरा देख के समझ में आ गया होगा क्या सबसे बड़ी गलती जो यूक्रेन ने किया है जिससे कि अब यूक्रेन का उल्टा गिनती चालू हो गया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मेरे तरफ सभी व्यूअर्स को आपको हमेशा भगवान खुश रखे।